हेलो बच्चों, नमस्कार। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका नोट्स मैंने खुद से बनाए हैं, एनसीईआरटी के बेस पे है और सारी चीजें इसमें आ रखी है। ठीक है, तो सबको मेरा नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कैम क्रश। चलिए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आप नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। ये टेलीग्राम पे मेरा चैनल है कैम क्रश रवि सर के नाम से, आप सर्च करिएगा या फिर इसको स्कैन करोगे तो इससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये, उसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ओके, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। कब करी थी? 1665 में। रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे, एक इन्होंने देखा कि जब ये अनियन पील की स्टडी कर रहे थे या फिर किसी तरीके का एक अनियन पील का नहीं कॉर्क की स्टडी कर रहे थे। कॉर्क होता क्या, कॉर्क इज द सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं तो उसकी जो स्टेम होती है स्टेम के ऊपर में तो मोटी सी जो लेयर हो जाती है ना उसको बार्क कहते हैं, तो उसी में से एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, उसको कॉर्क कहा गया। जब इसको ये स्टडी कर रहे थे, इनके द्वारा खुद ही एक माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था, उससे इसकी स्टडी कर रहे थे, मतलब इसमें देख रहे थे माइक्रोस्कोप में। ठीक है, अरे तुम लोगों ने देखा होगा स्कूल में माइक्रोस्कोप वगैरह होता है तो उससे छोटी छोटी चीजों को आप स्कूल में एक्टिविटी करवाएंगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क ऑफ रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ द हनीकॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटल कंपार्टमेंट्स। तो उन्होंने देखा छोटे छोटे उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स थे, उस कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल का नाम दिया। ठीक है, लैटिन में सेल जो सेल होता है जो उसका मीनिंग होता है लिटल रूम, उसका मीनिंग क्या होता है लिटल रूम लैटिन में। ठीक है, तो इस तरीके से सेल नाम जो है कॉइन किया गया, किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। और बहुत पहले की बात है बेटा, 1665 की बात है और देख लीजिए ये 2024 चल रहा है, लगभग 350 ईयर्स हो गए, लगभग बहुत ज्यादा समय हो गया। ठीक है, चलिए एक्टिविटी नंबर वन में देखो अनियन पील की एक्टिविटी है। अनियन पील की एक्टिविटी देखो इसमें क्या है, अनियन पील इज फाउंड टू हैव, देखो अनियन पील होता क्या, जो प्याज होता है ना, प्याज को जब प्याज का जब छिलका उतारोगे बड़े आराम से तो एक पतली सी ना मेम्ब्रेन टाइप की एक बहुत पतली सी लेयर दिखती है प्लास्टिक की, प्लास्टिक की नहीं होती, एक मेम्ब्रेन कहेंगे उसको। ठीक है, वो मतलब देखो छिलका तो ये हो गया और बहुत पतली सी व्हाइट कलर की होती है, उसको कहते हैं अनियन पील, उसको क्या कहते हैं अनियन पील। तो जब उसमें स्टडी किया गया तो उसमें देखा गया कि बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगुलर इलोंगेटेड बॉक्सेस है, मतलब जो प्याज को छोटा वाले प्याज से अनियन पील निकालो या बड़े वाले प्याज से कोई मैटर ही नहीं करता, तो वो जो उसमें जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो सब में सेम टू सेम है। देख रहे हो प्याज बेटा कोई भी ले लो सब में एक ही बात है। ठीक है, तो अनियन पील इज फाउंड टू हैव अ नंबर ऑफ सिमिलर इलोंगेटेड, नंबर ऑफ सिमिलर इलोंगेटेड रेक्टेंगुलर सेल्स ज्वाइंट टुगेदर, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ एन आउटर सेल वॉल साइटोप्लाज्म विद अ कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अ कंटेनिंग अ स्मॉल न्यूक्लियस। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो सेल, देखो सेल कुछ इस तरीके का होता है, मान लो ये सेल है और सेल का ये हो गया सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, बाहरी लेयर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। आगे इस चीज की स्टडी करनी है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन और बीच में तो हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस और ये जो ये वाली जो चीज रह गई ये होता है साइटोप्लाज्म, इसको क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, देखो सेल में अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपोजिशन है, ये यहाँ पे कंपोजिशन केमिकल कंपोजिशन अलग है, साइटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन अलग होती है, न्यूक्लियस की अलग होती है, तो इसकी वजह से हमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेन देखने को मिलते हैं, स्टेन मतलब कलर या फिर डाई। ठीक, तो इसमें देखो क्या किया गया है कि जो एक्टिविटी जब तुम एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे या फिर देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो अनियन पील के ऊपर में सेफ्रानिन या आयोडीन या फिर मिथाइलिन ब्लू ये डाल दिया जाता है, इससे होता क्या है, जो जब उसको माइक्रोस्कोप में जब उसको देखेंगे ना तो अलग अलग स्टेन देखने को मिलता है, कैसा, अलग अलग कलर या फिर अलग अलग स्टेन देखने को मिलता है। देख रहे हो, ये देखो दे विल बी डिफरेंटली कलर्ड डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कंपोजिशन और अलग अलग हमें स्टेन देखने को मिलता है, इससे हमें ये पता चल जाता है सेल में कितने चीजें, और इसके अलावा और भी अलग अलग पैचेस देखने को मिलते हैं,
तो कोई राइबोसोम होता है, कोई लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो सभी की अलग अलग पैचेस देखने को मिलेंगे बेटा। डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन उनके कलर जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो ये ऐसे ऐसे कलर भी इसमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और भी अलग अलग कलर हो सकते हैं इस तरीके से, मान लो ये वाले कलर देखने को मिलेंगे। तो इसका जो इसके अंदर का जो केमिकल कंपोजिशन है ना वो चेंज होने से हमें अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से तो स्टडी होती है, ठीक है, इसी तरीके से इनकी स्टडी होती है, राइट। तो ये सब चीज है बेटा। तो अनियन पीन वाला इस एक्सपेरिमेंट, इसमें मतलब मेनली चीज है क्या, इसमें जो सेल जो है सारे के सारे सेम टू सेम सिमिलर शेप एंड साइज के दिखेंगे, इलोंगेटेड हो या फिर जो भी शेप हो डिपेंडिंग ऑन दैट, और एकदम सिमिलैरिटी रहती है सब में, बेसिकली बात ये है। उसके बाद कुछ टाइमलाइन पहले पढ़ते हैं। देखो 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल की खोज की गई। ये एक डेड सेल था। ये कैसा था, ये एक डेड सेल था। उसके बाद 1674 में लीवन हुक डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर। लीवन हुक नाम का व्यक्ति था। 1674 में इन्होंने लिविंग सेल की खोज करी पॉन्ड वाटर की स्टडी में। उसके बाद काफी समय बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी, सेल के न्यूक्लियस की खोज करी, डिस्कवरी, ठीक है। देखो ये रॉबर्ट हुक है और ये रॉबर्ट ब्राउन है, अलग अलग व्यक्ति है। उसके बाद 1839 में पुरकिंजे ने पहली बार ये प्रोटोप्लाज्म शब्द का यूज किया सेल के अंदर में, जो फ्लूड पार्ट होता है। आपको मालूम होना चाहिए, देखो सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म भी एक तरह से फ्लूड पार्ट है, और न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो भी फ्लूड पार्ट है, दोनों ही फ्लूड पार्ट है। उसको कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया, किसके द्वारा, पुरकिंजे के द्वारा में 1839 में, 1839 में। 1838-39 की ही बात है, शील्डन एंड स्वान नाम के दो व्यक्ति थे, इन्होंने सेल थ्योरी दी। इन्होंने क्या दी, सेल थ्योरी। और बेसिकली सेल थ्योरी में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने सिंपल सी बात ये कही कि जितने भी एनिमल है और प्लांट है, जितने भी अरे जीव जंतु जानवर पौधे पेड़ पौधे जो भी है, सब के सब किससे बने हुए, सेल से बने हुए, और सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या है, वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, शील्डन स्वान के द्वारा ये बोला गया। उसके बाद देखो समय और बीतता, 1855 में विर्शॉ एक और साइंटिस्ट हुए, एक और बायोकेमिस्ट हुए, बायोलॉजिस्ट हुए विर्शॉ। इन्होंने क्या बोला कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो भी सेल्स होते हैं, नए सेल्स होते हैं, वो पहले से ही जो सेल्स होते हैं उसी से बनते हैं, ठीक है, पहले से ही जो सेल है उसी से बनते हैं नए नए सेल, ठीक है। तो विर्शॉ ने ये बोला। उसके बाद देखो 1940 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद, देखो एक होता है माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से आप 10^-6 मतलब जो माइक्रोमीटर में रेडियस होता है ऐसी चीज को देख पाते हो, या फिर आप कह लो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो माइक्रोस्कोप से जो चीजें दिखती उससे 3 गुना छोटी चीजें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिख जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई ना 1940 में, ठीक है, तो इसके बाद सेल के अंदर की चीजें जैसे कि राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, वैक्यूल हो गया, ये जब सारी चीजों की डिस्कवरी जल्दी जल्दी होने लगी, ठीक है। उसके बाद देखो ये एक्टिविटी 1 में ही जो अनियन पील वाला एक्टिविटी है उसी में हमने उसमें क्या पाया, आपसे अगर कंक्लूजन पूछे कि उस फर्स्ट एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है, तो जो भी जितने भी सेल्स थे वो सिमिलर स्ट्रक्चर्स के थे और जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, है ना। अनियन का साइज कैसा भी हो उनके सेल्स एक जैसे ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि अनियन एक चीज है ना। देखो ऑर्गेनिज्म अच्छा कुछ ऐसे सेल्स है सिंगल सेल ही सारे बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम लोग हुए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हजारों करोड़ों सेल्स है हमारे शरीर के अंदर में, ठीक है, अरे करोड़ों होते हैं बेटा, ठीक है, करोड़ों सेल्स है। और कुछ सेल्स कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके एक ही सेल्स होता है, सिर्फ एक, और एक ही सेल से रेस्पिरेशन भी करेंगे, डाइजेशन भी होएगा, एक्सक्रीशन भी होएगा, ट्रांसपोर्टेशन, जितने मतलब जितने भी बॉडी फंक्शंस होते हैं सारे कर लेते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अमीबा, ठीक है, तो यूनिसेलुलर एक ही सेल से मिलके बनते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, बैक्टीरिया, और ये क्लाइमाइडोमोनास, ये इस तरीके का एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, तो आप स्पेलिंग लर्न कर लेना इसकी,
जितनी भी एक्टिविटीज होती है एक ही सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है और डिवीजन ऑफ लेबर का कोई कंसेप्ट नहीं है। अरे भाई डिवीजन ऑफ लेबर कब होगा, जब लेबर्स होंगी। अब जब लेबर ही एक है तो सारा काम तो उसी को करना पड़ेगा, तो डिवीजन कहां से? ठीक है, जब 10 लोग होंगे तब ना आप काम बांटोगे, सिंगल ही व्यक्ति है तो काम क्या बांटोगे, उसी को करना है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है भाई, हजारों की संख्या में सेल्स है तो जो काम बढ़ जाते हैं। कुछ सेल्स होते हैं कोई रेस्पिरेशन का काम करेंगे, कुछ सेल्स है भाई डाइजेशन का काम करेगा, कुछ सेल्स है एक्सक्रीशन के काम में हेल्प करेगा, कुछ सेल्स है रिप्रोडक्शन के काम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, एग्जाम्पल फंगी, प्लांट, एनिमल, जितने भी इंक्लूडिंग अस, एक्टिविटीज आर डिवाइडेड बाय द डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, इसी को डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। शेप एंड साइज ऑफ द सेल की बात करें, यह एक्टिविटी नंबर 2 की बात है, सेकेंड एक्टिविटी है आपकी बुक में। देखो जो सेल्स, सेल का क्या शेप होगा या फिर क्या साइज होगा, ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल हमारे पास अमीबा, अमीबा का कोई शेप ही नहीं होता, वो चेंज कर सकता है। ठीक है, अमीबा अपना शेप और साइज दोनों क्या चेंज कर सकता है। तो जैसे कि और कुछ होते हैं कि भाई रिजिड होते हैं, जैसे न्यूरॉन सेल है हमारे, वो रिजिड होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे फंक्शन डिड, जो वो फंक्शन करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो शेप वगैरह जो है वो डिफाइंड होती है। देखो यहां पर, शेप एंड साइज ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू फंक्शन दे कैन दे परफॉर्म। सम सेल कैन चेंज देयर शेप लाइक अमीबा एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइल मोस्ट ऑफ द एनिमल एंड प्लांट सेल हैव ऑलमोस्ट फिक्स्ड शेप। है ना, ज्यादातर एनिमल और प्लांट सेल जो है वो फिक्स्ड होते हैं, वो अमीबा है, अमीबा चेंज कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आरबीसी हो गया, है ना, आरबीसी का शेप कैसा है, बाई कॉनकेव डिस्क शेप है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, बुक में देख सकते हो आप, बाई कॉनकेव डिस्क शेप का क्या मतलब हुआ, इस तरीके का है, ऐसा ऐसा इस तरीके का बाई कॉनकेव डिस्क शेप। और उसके बाद नर्व सेल है इलोंगेटेड थ्रेड लाइक, नर्व सेल ऐसा होता है, आप लोगों ने बुक में शायद देखा होगा या फिर मैं बना देता हूं, इस तरीके से दिखेगा आपको। ऐसा होता है बेटा, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा नर्व सेल, इस तरीके से होता है। ठीक है, थ्रेड लाइक हो गया, ये थ्रेड्स तरीके की चीज निकली हुई है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और यहाँ पे हो गया साइटोप्लाज्म, और ये होगी बेसिकली सेल बॉडी, और ये होता है डेंड्राइट, डेंड्राइट, और इसको कहते हैं एक्सॉन। ठीक है, और ये एक्सॉन एंडिंग, नर्व एंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो कुछ फैक्ट्स पहले समझ लो, सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा होता है, सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच आए होते हैं। लेकिन अगर इंसानों में बात करेंगे, लार्जेस्ट एनिमल सेल तो नर्व सेल हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल क्या हो गया, स्पर्म सेल, और लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा हो गया, ओवम या फिर एग। ठीक है, ओवम या फिर एग। स्पर्म सेल मेल में पाया जाएगा और ओवम जो है वो फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है, आप इसको पढ़ सकते हैं। A cell is the fundamental unit of life because it is the smallest unit of life that can perform all the functions needed for the life and because it can exist independently. तो ये definition एक तरह से कि cell को fundamental unit या फिर basic unit of life क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा है और जितनी भी functions है ये easily perform कर सकता है, इसलिए इसको fundamental unit of life कहते हैं। Now the parts of cell. सेल में मेनली देखो तीन चार पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। इसके अलावा अगर ये प्लांट सेल होता तो इसके बाहर में सेल वॉल भी होता है। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके पार्ट्स ऑफ सेल को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले बेटा देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ये सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल के बाहर की चीज और सेल की अंदर की चीज मिक्स ना हो जाए, इसको ये बचाता है ये सेल मेम्ब्रेन।
क्लियर है, ये क्या करता है सेल के बाहर और सेल के अंदर की चीजों को मिक्स नहीं होने देता है। उसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों कहते हैं, देखो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि कुछ चीज को अलाउ करता है इन एंड आउट करने के लिए, कुछ को अलाउ नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, ये जो सेल है ऐसा नहीं कि अंदर से सारी चीजें बाहर जा सकती है या बाहर की सारी चीजें अंदर जा सकती है, ऐसा नहीं है। सिर्फ अंदर से जो वेस्ट चीज है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस बाहर जाएगी और O2 गैस अंदर जाएगा। इसके अलावा जैसे वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर है, तो अंदर बाहर ये दोनों जा सकता है। तो ऐसे ही कोई भी मटेरियल नहीं, ठीक है, तो इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट सेलेक्टिवली अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटीरियल अक्रॉस इट। नेक्स्ट पॉइंट देखे, CO2 एंड O2 को मूव कर सकता है इजिली। CO2 जैसे बाहर आ रहा है, O2 देखो अंदर आ रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन देखो होता क्या है, डिफ्यूजन होता है किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ, हाई से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देखो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन of their higher concentration to the region of the lower concentration are called diffusion। क्लियर है, आगे बढ़ते बेटा। तो यहां पर देखो जैसे CO2 को आउट किया, CO2 बाहर जाएगा क्योंकि देखो हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो CO2 प्रोड्यूस होगा। CO2 प्रोड्यूस होने से अंदर में CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा सेल के अंदर, तो वो बाहर जाएगा, तो ये हो गया आउट होगा। और देखो जब ऑक्सीजन की डिमांड होती है सेल के अंदर में तो ऑक्सीजन इन हो जाता है, ठीक है। डिफ्यूजन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों में ही डिफ्यूजन का बहुत महत्व है। दोनों में मतलब जैसे कि अगर सेल के अंदर, जैसे कि अभी वहां पे ऊपर वाला डायग्राम देखो, CO2 अगर अंदर में प्रोड्यूस हुआ है तो इसको बाहर जाना है, तो प्रोसेस क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। ऑक्सीजन बाहर से अंदर आना है तो ये भी डिफ्यूजन ही है, तो बहुत ही क्रूशियल है ना गैस के एक्सचेंज के लिए। उसके बाद होता है बेटा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर को कहते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे देखो गैस डिफ्यूज होता है ना, वैसे ही वाटर भी एक तरह से डिफ्यूज होगा, तो यहां पे डिफ्यूजन नहीं बोलना, यहां पे ऑस्मोसिस कहना है। यहां पे क्या कहना है, यहां पे ऑस्मोसिस कहना है, ठीक है, यहां पर ऑस्मोसिस कहेंगे। तो सिंपली देखो सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन, अगर सेल के अंदर पानी ज्यादा है, सेल के बाहर पानी कम है, तो अंदर से बाहर की तरफ पानी मूव करेगा और सेल श्रिंक कर जाएगा। बाहर से पानी अगर सेल के अंदर है तो सेल फूल जाएगा, ठीक है, तो इसको स्वेल अप या फिर स्वेलिंग ऑफ सेल कहेंगे। अब ये दो तीन टर्म जरा समझो, हाइपरटोनिक और ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो ये सेल है, ये मैंने क्या बनाया हुआ, ये सेल बनाया हुआ है। सेल के अंदर देखो पानी कम है और सेल के बाहर यहां पे पानी आपको ज्यादा दिखेगा। सेल के बाहर अगर पानी ज्यादा है तो ये वेरी डाइल्यूट की कैटेगरी में आएगा, और वेरी डाइल्यूट है तो इसको कहेंगे हाइपोटोनिक। इसको क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक। तो सिंपल सी बात है, जो बाहर का जो पानी है वो अंदर की तरफ मूव करेगा बेटा। यहां पर एक सेकेंड, ये पानी जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा, और मूव करने से क्या हो जाएगा आप ही बताओ, बोलो बोलो, सेल स्वेल हो जाएगा। सेल क्या कर रहा है, स्वेल हो जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर सेल के अंदर ज्यादा पानी दिख रहा है आपको और सेल के बाहर कम पानी दिख रहा है, ठीक है। बाहर में लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, मतलब जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। वेरी कंसंट्रेटेड तो हाइपरटोनिक, तो पानी जो है ज्यादा पानी सेल के अंदर है ना, तो बाहर निकलेगा, और सेल से के अंदर से पानी जब बाहर आएगा तो सेल क्या करेगा, सेल श्रिंक कर जाएगा। उसके बाद देखो ये वाला है बेटा, अंदर बाहर पानी बराबर है, तो पानी मूव तो करेगा, अंदर भी करेगा बाहर भी करेगा, ऐसे दोनों ही एरो, ठीक है, अंदर बाहर इस तरीके से, तो बराबर मोशन होता है। जितना पानी अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, तो इस केस में सेल का जो साइज है वो रिमेन रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है।
तो ये तीनों याद रखना है आपको बेटा, ये पूछते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम पे देख लेना, टेलीग्राम पे इजीली मिल जाएगा। एक्टिविटी नंबर थ्री देखो, अंडे को क्या किया पहले, अंडे कच्चे अंडे ठीक है, बॉयल एग नहीं है बेटा, कच्चे है, तो एग को, रॉ एग को एचसीएल में डाल दिया। इससे क्या होगा, जो अंडे के ऊपर का जो छिलका है ना वो निकल जाता, वो उतर जाता बड़े आराम से, वैसे नहीं निकलेगा, उसके अंदर डालोगे तो वो थोड़ा सा मेल्ट सा हो जाता है और वो इजीली वहां से हट जाता है ठीक है। तो वो जो ऊपर वाला छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, तो उसको उतार दोगे तो आपके पास एक एग के ऊपर में मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ही दिखेगी, पतली सी झिल्ली ठीक है, यू विल सी थिन स्किन एनक्लोज्ड द एग ना। अब इस अंडे को क्या करना है, इस अंडे को अगर आप प्योर वाटर में रख दोगे, तो ध्यान से देखो, प्योर वाटर में रख दोगे तो होगा क्या, होगा वही क्या होगा, बाहर में प्योर वाटर है, पानी अंदर जाएगा, रे पानी अंदर जाएगा, अंडा फूल जाएगा, अंडा फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। और जब इसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में पानी अंडे से बाहर आएगा, रे अंडा पिचक जाएगा, अंडा श्रिंक कर जाएगा, क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। उसके बाद बेटा देखो, रेजिन या एप्रिकोट वगैरह ठीक है, किशमिस कहते हैं इसको, किशमिस को अगर पानी में डालोगे प्लेन वाटर में तो स्वेल हो जाएगा इसकी तरह, अंडे की तरह पानी, क्योंकि किशमिश के अंदर आएगा। उसके बाद उसी किशमिश को, फूले हुए किशमिश को कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में अगर डालते हो तो वो वापस अपनी शेप पे ही आ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा ठीक है। और एग्जांपल देखो ऑस्मोसिस के, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस ठीक है। जो पानी में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं या फिर जो प्लांट रहते हैं, तो वहां पर पानी जो है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही उनके अंदर जाता है या उनके अंदर से बाहर आता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट, रूट्स जो होते हैं, जड़ें जो होती है पेड़ पौधों की, उनको पानी चाहिए, तो वहां पर जो पानी जो एब्जॉर्ब हो रहा है ना उस समय भी प्रोसेस का नाम क्या है, ऑस्मोसिस। क्या नाम है, ऑस्मोसिस। उसके अलावा देखो, अब ना सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, तो सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है और किससे बना हुआ है, लिपिड एंड प्रोटीन, फ्लेक्सिबल है, किससे मिलके बना है, लिपिड एंड प्रोटीन ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, जैसे अमीबा का जो केस था हमारे पास, अमीबा कैसा, अमीबा का देखा होगा, अमीबा जैसे ये है ना, तो अमीबा के पास एक जादुई शक्ति है, ये इस तरीके से ये फॉल्स फीट ऐसे बेटा क्रिएट कर सकता अमीबा। जैसे मान लो यहाँ पे फूड आया और फूड को ऐसे ऐसे अपने अंदर, और फिर यहां पर फूड वैक्यूल क्रिएट हो जाता है ऐसे ठीक है। देखो दोबारा देखो, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, जैसे मर्जी बना दो। मान लो यहाँ पे फूड आया तो अमीबा तुरंत एक्टिव हो जाएगा, तो अमीबा क्या करेगा, यहां से फॉल्स फीट तैयार करेगा ऐसे, और फिर इसको क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा ऐसे, और अगले स्टेप में ऐसा कुछ हो जाएगा, मान लो ऐसा रे, और यहाँ पे फूड अंदर ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, इसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, अमीबा में देखने को मिलता है ये ठीक है। उसके बाद देखो सेल वॉल, सेल वॉल तो ये छोटा सा टॉपिक है ये वाला, रिजिड आउटर कवरिंग होता है और ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, तभी तो प्लांट बहुत ठोस होता है ना प्लांट, और हमारी स्किन क्या होती है, बहुत लूज होती है, क्योंकि हमारे पास सेल वॉल नहीं होता, प्लांट के पास सेल वॉल होता है इसलिए वो काफी स्ट्रांग होते हैं। लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, अच्छा ये मत कंफ्यूज करना भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता ही है, इसके बाहर होता है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होगा सेल वॉल ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। सेल्युलोज से मिलके बनता है, देखो जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड, और ये किससे, सेल्युलोज से, इसकी वजह से ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ, मजबूती। प्लाज्मोलिसिस, अच्छा देखो दो चीजें होती है यहाँ पे, ये बहुत जानना जरूरी है, प्लाज्मोलिसिस आप लोगों के एग्जाम में अक्सर आता रहता है ठीक है। ओके, तो व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल, देखो इसका मतलब क्या हुआ,
जब पानी, अच्छा ये जो सेल वॉल होते हैं इसमें भी बहुत पतले पतले पोर्स होते हैं, तो पानी बाहर निकल सकता है। तो आप देखो ये सेल वॉल था और ये मान लो कि ये सेल मेम्ब्रेन था। जब ये वाटर लूज करेगा, जब सेल मेम्ब्रेन जो है वाटर लूज करेगा इस तरीके से, सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, तो छोटा सा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो ये गैप बढ़ गया ना, तो इसको कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। देखो देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस ना। अब एक बड़ी अच्छी बात आती है कि सर ये इतना गैप खाली होने से कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाँ दिक्कत तो होती है लेकिन सस्टेन हो जाता है बेटा, ये बच जाता है। कैसे बच जाता है ये देखो, यहाँ पर तो वही मैंने लिखा है कि सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट फंगी एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड इन वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम विद बस्टिंग एक्सप्लेन इन सच मीडियम द सेल टेंड टू टेक अप द वाटर बाय द ऑस्मोसिस द सेल स्वेल बिल्डिंग अप द प्रेशर। देखो दोनों ही केस में सेल सस्टेन कर जाता है, रीजन है सेल वॉल। सेल वॉल काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से सेल जो है प्लाज्मोलिसिस की वजह से, और या फिर दूसरा कारण देखो एक और बताते हैं। प्लाज्मोलिसिस में तो क्या हुआ कि प्रेशर डिफरेंस हो गया तो सेल वॉल ने संभाल लिया। एक और प्रोसेस होता है, क्या है प्रोसेस, ये देखो जैसे कि ये सेल है। अब ये क्या हुआ, एक दूसरा प्रोसेस भी हो सकता है ना कि वाटर, चलो बाहर वाला तो समझ लिया, ठीक है बाहर वाला तो समझ लिया, एक काम करते पानी अंदर भी तो जा सकता है ऐसे, तो सेल फूल जाएगा। सेल क्या करेगा, फूल जाएगा। अरे सेल फूल जाएगा ना, तो ये देखो ये अब सेल बड़ा हो गया, तो ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा सेल वॉल के ऊपर में। ये सेल वॉल है, बाहर वाला क्या है, सेल वॉल है, अंदर वाला क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये तो ये फूल जाने से ये इस पर प्रेशर लगाता है, तो जितना प्रेशर ये लगाएगा उतना ही प्रेशर सेल वॉल भी लगाने लग जाता है, तो इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर जो लगता है जिसकी वजह से वो कैंसल आउट हो जाता है, इसकी वजह से सेल सस्टेन कर जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ सारी चीज देख रहे हो, यहाँ पे देखो द सेल टेंड टू टेक अप वॉटर बाय ऑस्मोसिस द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल द वॉल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वोलन सेल। ठीक है, तो सेल वॉल भी उस पर इक्वल प्रेशर लगाता है जिसकी वजह से सेल जो है बस्ट करता नहीं है। ठीक है, तो जो सेल वॉल होने की वजह से, या फिर यूं कह लो जो प्लांट सेल होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में भी, ड्रास्टिक कंडीशन में भी सस्टेन कर जाता है, एनिमल सेल नहीं कर पाएगा, वो कर जाता है। ठीक है, नाउ द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस देखो इट हैज अ डबल लेयर, कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के ऊपर डबल लेयर कवरिंग होती है ना, डबल प्रोटेक्शन। जैसे कि मान लो ये हो गया न्यूक्लियस, एक सेकेंड, ये हो गया न्यूक्लियस, इसके ऊपर दो लेयर होता है, एक पहली और एक दूसरी, दो लेयर होती है इसके ऊपर प्रोटेक्शन होता है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास भी पोर्स होते हैं जिसकी वजह से जो कुछ मटीरियल इन एंड आउट मूव कर पाते हैं। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड मूव कर पाते हैं। तीसरी बात, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। नाउ क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोम में क्या होता है, जो इनहेरिटेंस मतलब जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं ना बाप से बच्चे में या पेरेंट्स से बच्चों में, तो वो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्या, डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यह डीएनए की फुल फॉर्म है। उसके बाद क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, दो चीजों से मिलकर बना है, डीएनए और प्रोटीन से। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। ठीक है, डीएनए के अंदर भी क्या होते हैं, जीन्स होते हैं जो कि एक्चुअल फंक्शनल यूनिट होते हैं। क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं, देखो क्रोमोसोम्स, ये चीज समझने वाली बात है बेटा, ये आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। क्रोमोसोम्स आर विजिबल एज रॉड शेप्ड होते हैं। कैसे दिखते हैं, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर, ओनली व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तब ये कैसा दिखता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर की तरह, सेल डिवाइड करने वाला हो, अगर मान लो डिवाइड करने वाला ना हो। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटीरियल।
क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में ये प्रेजेंट होता है, विच इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके से होता है। तो जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो क्रोमोसोम्स किस तरीके से मौजूद होता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब नॉर्मल केस में क्रोमोसोम डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता, उसमें क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जो हमें कैसे दिखते हैं, वो एंटेंगल्ड होते हैं, मतलब गुंजल होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। और जब यही सेल डिवाइड होने वाला होता है, तो ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है ऑर्गेनाइज्ड होके क्रोमोसोम फॉर्म कर लेता है। समझ पा रहे हो बात को? जब कोई सेल है नॉर्मली उसके अंदर क्या पड़ा है, क्रोमेटिन मटेरियल पड़े हैं, क्या पड़े हैं, क्रोमेटिन मटेरियल, जिससे क्रोमोसोम बनना है। तो क्रोमेटिन मटेरियल, दोबारा सुनो, जब सेल कोई नॉर्मली है तो उसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, जो कि बाद में न्यूक्लियस बनेगा। और जब ये सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो एंटेंगल्ड, मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं और क्रोमोसोम फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं, क्रोमोसोम, सो दैट कि क्रोमोसोम नेक्स्ट लेवल, मतलब आगे जब नेक्स्ट सेल जो बनेगा, न्यू सेल जो बनेगा, उसके अंदर क्रोमोसोम ट्रांसफर हो पाए। क्लियर है बेटा? नॉर्मली क्रोमेटिन मटेरियल कैसा होता है, वो इलोंगेटेड होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंटेंगल्ड, ठीक है। तो जब ये सेल डिवाइड होने वाला होता है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है और क्रोमोसोम रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखो बेटा, ये है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज, लार्जर इन साइज। न्यूक्लियस रीजन इसमें प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। इसमें न्यूक्लियर रीजन जो होता है प्रॉपरली डिफाइंड होता है बिकॉज इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसके अंदर सब प्रेजेंट होता है। वैक्यूल इसमें नहीं होता, इसके अंदर में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, एनिमल प्लांट फंगी सारे आगे इधर, ठीक है। साइटोप्लाज्म फ्लूड कंटेंट होता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो यहां पे ये जैसे कि ये सेल हो गया, एक सेकेंड, ये हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। तो यहां पे ये जो रीजन है ना, ये वाला ये है साइटोप्लाज्म। तो ये फ्लूड कंटेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बीच में। मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल, इसी के अंदर में कहीं पर ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल, प्लास्टिड, ठीक है, सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ये सब इसी के अंदर सस्पेंडेड होते। किसके अंदर में? साइटोप्लाज्म। एक और चीज बताते हैं वायरस के बारे में, बड़ी अच्छी चीज। वायरस के पास ना ये साइटोप्लाज्म होता ही नहीं, डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन, सॉरी, इस वायरस के पास मेम्ब्रेन नहीं होता और इसके पास कोई भी सेल ऑर्गेनेल के पास मेम्ब्रेन नहीं होता। तो ये सारे के सारे मिक्स कर जाते हैं, और जब ये सारा मिक्स कर जाएगा, मतलब खराब सा ही हो गया, तो नॉट वर्क, कुछ करेगा ही नहीं, वर्क ही नहीं करेगा। तो वायरस जो होते हैं एक तरह से लगते हैं डेड है जब तक ये किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर ना कर जाए, क्योंकि जैसे ही किसी होस्ट के अंदर ये एंट्री मारता है उसकी मशीनरी यूज कर लेता है और एनर्जी वेनर्जी सब प्रोवाइड होने लग जाती है, इसकी मल्टीप्लाई भी होने लग जाते हैं। देख रहे हो, डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस इट डू नॉट शो फीचर ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, ठीक है। सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। देखो ना, आप ही समझो कि भाई लिक्विड भर भर के रखा है, अगर आप मान लो कि उसके किसी चीज में नहीं रखोगे, वैसे ही आप फेंकते जाओगे, तो सारा मिक्सअप नहीं हो जाएगा, फिर क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा वो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वीडियो में सेल ऑर्गेनेल देखेंगे, अभी वीडियो लंबी हो गई। थैंक यू।